أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليه واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، بحمد اللہ کئی سالوں سے ہم تسلسل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی بیان کر رہے ہیں. ہاں بعض اوقات کچھ موضوعات آ جاتے ہیں جن کی نسبت سے دوسری گفتگو کرنی پڑتی ہے، لیکن میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو قرآن شریف کی طرف لاؤں، کیونکہ اصل ماخذ تو قرآن ہے نا. تو آج سورۃ مائدہ ہے اور آیت نمبر 100 آیت نمبر 4 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مکہ کے لوگ اپنی طرف سے چیزیں حلال کرتے تھے
और अपनी तरफ से चीज़ें हराम कर देते थे। मसलन कुछ जानवरों को बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे, बुतों के नाम पर नामज़द करते थे, फिर उनका खाना, उनका पीना हराम समझते थे, हराम। तो साहबा किराम ने सरकार से पूछा, अल्लाह फरमाता यस अलूनक माजा उहिल्ला लहुम, महबूब ये आपसे पूछते हैं कि इनके लिए कौन सी चीज़ हलाल की गई है। अल्लाह फरमाता कुल, महबूब ऐलान कर दे, उहिल्ला लकुमुत्तय्यिबात, कि तुम्हारे लिए जितनी तय्यिब चीज़ें हैं, जितनी पाक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हलाल कर दी गई हैं। हमारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। अब कोई माई का लाल अल्लाह के हलाल करदा को हराम नहीं कह सकता। मसलन लोग कहते हैं उस्ताद जी असा यारहवीं का खत्म दवाया सी है, हलवा पकाया ले लो, पेश करते हैं, तो बाद लोग कहते हैं ओ ये तो हराम है। अब कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता ये हलाल है कि हराम, तो कुरान कहता है देखो इसमें कोई पलीद चीज़ तो नहीं आ गई, इसमें डाली गई है सूजी, और सूजी क्या है भाग, इसमें डाला गया है घी, घी पाक है कि पलीद भाग, इसमें डाला गया है पानी, पानी पाक है या पलीद पाक, चीनी डाली गई है चीनी पाक है या पलीद पाक। इबादत अल्लाह की है तो अल्लाह की इबादत पाक है या पलीद पाक, और सवाब गौसे आज़म की रूह को भेजा गया है तो किसी अल्लाह वाले की रूह को गिफ्ट करना, सवाब भेजना, ये पाक है या पलीद पाक। तो भाई ये चीज़ें हराम कैसे हो गईं, जब तक हर हर चीज़ उसमें पाक है तो पता चला इस चीज़ का खाना भी पाक। हाँ अगर किसी ने बदबख्त ने उसमें पेशाब कर डाला तो पलीत चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें पलीत हो जाएंगी, लेकिन जो है ही ए टू जेड अव्वल से आखिर तक पाक, अल्लाह फरमाता है कुल कह दे उहिल्ला लकुमुत्तय्यिबात, कि तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल की गई हैं। अब वो लोग शिकार भी किया करते थे, कुछ जानवरों को शिकार के लिए सुधा लेते थे, कुत्ता है चीता है बाज है उकाब शहीन, ये शिकारी दरिंदे जो हैं इनको पालते थे, ट्रेनिंग देते थे शिकार करने के लिए। अब अल्लाह उनका मसला बयान कर रहा है कि ये जो शिकारी जानवर तुम पालते हो शिकार के लिए, तो इनका पकड़ा हुआ शिकार हलाल है या हराम? तो मालिक इरशाद फरमाता है वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह, और जिनको तुमने ट्रेनिंग दी है जख्म लगाने वालों में से,
या जवारह का एक माना और है कमाने वाले, वो जानवर जिनको तुमने ट्रेनिंग दी है, जख्म लगाने वाले हैं, शिकार करने वाले हैं, वो कमाने वाले हैं। शर्तें हैं कुछ, मुकल्लबीना, तुम उनको शिकार के लिए तैयार करोगे। तुम कैसा तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जिस तरह तुम्हें अल्लाह ने सिखाया है इसी तरह तुम जानवर को सिखाओगे। शर्त क्या है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, शिकारी जानवर छोड़ने से पहले क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह, और हो तुम्हारा ट्रेंड याफ्ता, जब तक तुम उसको शिकार के पीछे नहीं छोड़ते वो भागता ही नहीं, और जब तुम इशारा करते हो फिर गोली की तरह जाता है। आधे रास्ते में पहुंच गया, उसको खरगोश नजर आ रहा है, हरन नजर आ रहा है, तुमने सीटी मारी, फौरन वहीं रुक जाए। ये है ट्रेंड शुदा शिकारी जानवर। अगर इस तरह का कोई जानवर हो जो तुम्हारे रोकने से रुक जाए, तुम्हारे वापस बुलाने से वापस आ जाए, अगर जानवर को कोई चीज़ नज़र आ रही हो तो पीछा नहीं छोड़ता वो, लेकिन चूंकि सिखाया है तुमने उनको और वो वापस आ जाए। अच्छा, अगर वापस नहीं आया और बुलाने वाले ने वापस भी नहीं बुलाया, तो फिर शर्त ये है कि जिस जानवर का शिकार करना है उसको जख्म भी लगा हो। अगर जख्म नहीं लगा, उसने गले से दबोच लिया और मालिक के पास वापस लाने से पहले पहले उसकी जान निकल गई, वो हलाल नहीं होगा। हलाल कौन सा जानवर होगा? जिसको जख्म लगा हो वो मालिक के पास वापस लेके आए तो मालिक फिर उसको छुरी के साथ ज़बह कर दे। तो ये है शराइत। और अगर जख्म लग गया जिसको शिकार करना है और फिर जान निकल गई, चूंकि शुरू करते वक्त शिकार छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी ना, तो अब ये जख्म लगा हुआ शिकार तुम्हारे लिए ज़िबा के कायम मकाम है, ये तुम्हारे लिए हलाल है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तो खाओ उन जानवरों में से जिन जानवरों ने तुम्हारे लिए शिकार को रोक रखा है। वज़्कुर इस्मल्लाहि अलैह, और उस जानवर पर अल्लाह का नाम ले लो, शिकार पर, शिकारी जानवर पर अल्लाह का नाम ले लो, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ लो, वत्तकुल्लाह, और जिंदगी के हर मोड़ पर हर लम्हा पर अल्लाह से डरते रहो। कोई वक्त ऐसा नहीं आना चाहिए जब बंदे के दिल में खुदा का खौफ ना हो। आदमी के दिल में हर वक्त खुदा का खौफ होगा तो यकीन करिए वो गुनाहों से बचेगा, फ्रॉड से बचेगा, मुसलमानों को तंग करने से बचेगा, और जब जिब्रील, जब इज़राइल आन के जान निकालेगा तो खरामा खरामा फरिश्तों के साए में वो जन्नत के अंदर चला जाएगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है। आगे मालिक और मसला बयान फरमाता है,
फरमाया अल यौम उहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात, आज के दिन जितनी पाकीज़ा चीज़ें हैं सब तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ, और अहले किताब यहूदी या ईसाई अगर किसी जानवर को बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा करें तो वो जानवर भी तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। अहले किताब यहूदी या ईसाई, وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल कर दिया गया है। दो उनको, खाएं, कोई पाबंदी नहीं। अभी आ रही है ना बड़ी ईद, तो लोग मसले पूछते हैं, ओ जी साढ़े कारी सैन कम कर दी, उन्होंने कुछ दे दी है, दो दो, क्यों नहीं देते, दो क्यों? अल्लाह क्या फरमाता है, وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ, तुम्हारा खाना, तुम्हारा ज़बीया इन अहले किताब के लिए हलाल है। आगे, وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ, और मोमिनों में से जो पाक दामन औरतें हैं और अहले किताब जिनको तुमसे पहले किताब दी गई है उनकी जो औरतें हैं वो भी तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब की औरतें ये तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। शर्तें हैं दो, إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُمْ, मुसलमानों की पाक दामन औरतें हों या अहले किताब की पाक दामन औरतें हों, जब तुमने उनको उनका हक महर दे दिया है या पक्का वादा कर लिया है तो वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। तो वो औरतें जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, अगर कोई मुसलमान उनसे निकाह करना चाहे तो शरीयत की तरफ से पाबंदी नहीं। محسنين غير مسافحين, शर्त ये है कि तुम इन औरतों को हमेशा अपने पास रखना चाहो, हमेशा। غير مسافحين, तुम अपनी मस्ती ना निकालना चाहते हो। निकाह की शर्त क्या है? मस्ती निकालने के लिए शादी नहीं करनी, बल्कि किसके लिए शादी करनी है? हमेशा अपने पास रखने के लिए। ये कुरान का कानून है, ज़हन में रखना। शादी किस लिए करनी है? हमेशा अपने पास रखने के लिए। और मस्ती निकालने के लिए नहीं। ये जो शिया हजरात का निकाह है, मुता है, ये क्या है? तय हो जाता है, एक रात तेरे पास रहूंगी, दो रात रहूंगी, पांच दिन रहूंगी, महीना रहूंगी, ठीक है, इतने पैसे लूंगी, फिर तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अब ये क्या है? ये हमेशा रखने की नीयत से है या मस्ती निकालने की नीयत से है? मस्ती निकालने की नीयत से है। और अल्लाह ताला मस्ती निकालने वाली जो चीज़ है उसको अल्लाह मना फरमाता है। यहाँ यह भी मसला सुन लो, बाज़ औक़ात बंदा दे देता है तलाक, बीवी को तलाक दे दी, अब फिर छोटे छोटे बच्चे नज़र आए, बिरादरी का दबाव पड़ा,
अब आ गए मौली साहब के पास। तो सरकार एक मसला पूछना, पूछ भाई। तो सरकार मैं ना बीवी नू तलाक दे बैठा, ओ तेरा पलाओ जो किनिया दितियां नी तलाकां, ओ जी तलाकां ते तीन ही दितियां सन, ओ तेरा भला जे अपने पैरी कुहाड़े मार के मेरे को आ गए हैं। नहीं सरकार मैं खुशी नाल तलाक ते नहीं सी दित्ती, मैं ते गुस्से ही तलाक दित्ती सी। भला गुस्से ही तलाक होंदी आ? तो मैं पुछदा कदी किसी ने खुशी नाल तलाक दित्ती है? तू करमा लई है बड़ी सोहनी लगदी है, चल 1 2 3 अज तिन्ने दिनों। कभी बंदा खुशी से तलाक नहीं देता, तलाक जब भी देता है तंग आकर गुस्से से तलाक देता है। अभी अब क्या कर सकते हैं? ओ सरकार कोई तरीका कढ़ो। फिर हमारे कुछ उलमा ने तरीका निकाला हुआ है, चल किसी और नाल विवाह कर दियो, एक दो रातां रख के वापस कर देगा। इसे हलाला कहते हैं, ये औरत तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। औरत तो हलाल हो जाएगी, लेकिन ये निकाह किस लिए किया गया है? हमेशा रखने की नीयत से? नहीं, ये तो बस डंग टपाओ के लिए, डंग टपाओ के लिए निकाह किया गया है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लला, जिसने हलाला निकाला उस पर भी लानत, जिसके लिए हलाला निकाला गया उस पर भी लानत। ये नबी पाक का फरमान है। ए हलाले जरा सोच समझ के कढ़िया करो। हो गई तलाक हो गई, बट ठीक है, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला, पहले सोच लेना था ना। तलाक देने के बाद फिर इस तरह की हरकतें करते हो और अल्लाह की बारगाह से लानतों के हकदार बनते हो। ठीक है, तलाक हो गई, अल्लाह औरत का भी अल्लाह वारिस है, मर्द का भी अल्लाह वारिस है। अच्छा फिर आगे कि गैर मुस्लिम अहले किताब की औरतों से निकाह तो जायज़ है। एक ख्याल रखना, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, और जिसने ईमान का इनकार कर दिया। कई बार होता है औरत जो है अपने नज़रियात में गालिब होती है, पुख्ता होती है, वो बंदे को घेर घार के ना काफिर बना देती है। अब अल्लाह तंबीह कर रहा है, देखना निकाह उस वक़्त करना गैर मुस्लिम औरतों से, ईसाइयों से, यहूदियों से, उस वक़्त निकाह करना जब तुम्हारा अपना ईमान मजबूत रहे। وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, और जो बंदा ईमान से इनकार कर जाए उसके सारे अमल ज़ाया हो जाएंगे। सारे अमल जाए हुए, कुफर ऐसी चीज है। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरी, और ये बंदा आखिरत में घाटा पाने वालों में से होगा। इस रुकू के बाद आगे वुजू और तयम्मुम, ये दो मसले बयान हो रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालों, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के खड़े करने का इरादा करो। यहाँ अरत तुम महजूफ है, जब तुम इरादा करो नमाज पढ़ने का तो फिर क्या करो? फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो तुम अपने मुंहों को धोवो।
ये मुंह की हद यहां से लेकर ये यहां तक, ये है मुंह की हद। तो अपने चेहरों को धोवो। وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ और कोहनियों समेत अपने बाजू धोवो, अपने हाथ धोवो कोहनियों समेत। कितने फ़राइज़ हो गए? दो। وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ और अपने सरों का मसा करो। मसा किस चीज का नाम है? इमरारुल यदिल मुबतल्ला अलारा से ही, गीले हाथ ये अपने सरों पर फेरना। सुन्नत ये है कि सारे सर का मसा किया जाए, ऐसे करके दोनों हाथ जोड़ के यूं यूं पीछे ले जाओ और फिर पीछे से ये थैलियाँ आगे लाओ। वमसहु बिरुसिकुम और तुम अपने सरों का, पूरे सरों का मसा करो। लेकिन अगर किसी ने पूरे सर का मसा नहीं किया बल्कि सर की चौथाई का मसा किया, इस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी किया है, तो फ़र्ज कितना हो गया? चौथाई सर का मसा, और बाकी सर का मसा क्या हो गया? सुन्नत। وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ और गिट्टों समेत अपने पाँव को धोवो। ये कुरान का फरमान है, गिट्टों समेत अपने पाँव को धोवो। शिया हजरात कहते हैं नहीं, अल्लाह यहां पांव धोने का हुक्म नहीं दे रहा, अल्लाह यहां गिट्टों समेत पांव के मसे का हुक्म दे रहा है। वो जो कहते हैं वो सुन लो दोबारा। कहता देखो, पहले दो चीजों के धोने का जिक्र आया, फ़ग़सिलु वुजूहकुम, धोवो तुम अपने चेहरों को, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, धोने की बारी आई तो वुजूहकुम, हा पर जबर आ गई, और أَيْدِيَكُمْ या पर भी जबर आ गई। जहां धोने का जिक्र है वहां जबर आ गई। आगे وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْوَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ और अपने सरों का मसा करो। जब मसा की बात आई तो बाद वाले लफ्ज़ पर क्या आ गई? ज़ेर। وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ ओए तुम अपने सरों का मसा करो। फिर बात दोबारा याद कर लो, जहां धोने का जिक्र है वहां बाद वाले लफ्ज पर जबर है, और जहां मसे का हुक्म है वहां बाद वाले लफ्ज पर जेर है। अब मैं ये, मैं तफसील में नहीं जाता, यहां जेर है बात जारा की वजह से। ये वुजूहकुम मफूल बनता है, अयदियकुम भी मुजाह मुजाफिल मरगे मफूल बनते हैं। इस बहस में नहीं जाता, ये तो बच्चों को जब पढ़ाते हैं हम सरफनाब उस वक़्त गुफ्तगू करते हैं। बस आपकी आसानी के लिए कि जहाँ फेल के बाद जबर आई यहाँ इस आयत में, तो वहाँ से मुराद है धोना, और जिसके बाद जेर आई वहाँ से मुराद है, उची बोल दो, मसा करना, ताकि मुझे भी समझ आए ना आपको मसला समझ भी आ रहा है कि नहीं। और आगे फरमाया وَأَرْجُلَكُمْ أَرْجُلَكُمْ أَرْجُلَكُمْ
अब अर्जोला नाम पर जबर है या जेर है? हैं? कुरान सारा फिर सुन लो, यहीं से जहां से मजमून शुरू हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअय्दियकुम इलल मराफ़िक वम्सहू बिरुउसिकुम وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ گٹوں سمیت اپنے پاؤں کو دھوو، پاؤں کو دھوو۔ ارے میرے شیعہ دوست، اگر تو میری بات نہیں مانتا، چل میں تجھے مولا مرتضیٰ کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ مولا مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ لشکر سمیت جا رہے تھے، راستے میں وضو کا وقت آیا، کچھ لوگوں نے وضو کیا، ان کی ایڑیاں خشکی سے چمک رہی تھیں۔ سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا، ویل للعقاب من النار، جو ایڑیاں یہاں خشک رہ جائیں گی وہ جہنم میں جائیں گی۔ تو جب اڑیاں سکیاں رہ جان، وہ پیر جہنم چ جان گے، تو پورے پیر ہی سکے رہ جان۔ پھر خود سوچ لینا چاہیے نا، یہ گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے شرعی مسائل میں۔ اب آگے بھی سن لیجئے، وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ بعض اوقات بندہ جنبی ہو جاتا ہے، نہانا اس پر لازم ہو جاتا ہے، پانی شانی ہے کوئی نہیں، یا اتنا بیمار ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ تیمم کرے تو تیمم پورے وضو کا نائب بن جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ تیمم۔ اور تیمم کس چیز پر کرنا ہے؟ جس پر مٹی لگی ہو، یا جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، اس پر دو بار یوں ہاتھ پھیرنا، یوں ہاتھ پھیر کے پھر یہاں کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے وہاں ہاتھ پھیر دو، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیر مارو زمین پر، اور یہاں سے ایسے، تاکہ پوری کلائی، پورے بازو اور یہ سب تمہارے ہاتھ کے گھیرے میں آ جائیں۔ پھر دوبارہ ہاتھ مارو، اور پھر یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کے بھی کونی تھمیر سارے جسم پر ہاتھ پھیرو۔ تو اگر پانی نہ ملے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تیمم۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک گاڑی میں نا ایک بندہ سفر کر رہا تھا، اس نے پڑھنی تھی نماز، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، او یار میں نے تو پڑھنی ہے نماز، تو وضو کیسے کروں گا؟ وہ کہنے لگا، جی تسی او کر لو نا۔ او کی بھائی؟ اوہی او بھائی، اوہ کی کرا میں؟ اوہو یار، جڑا وضو پانی نہ ملے تے او نہیں کریدا، او کی کریدا؟ او متنجن، یعنی تیمم کا متنجن بنا۔ یہ ہے فیس بک کی مفتی، جن کو نام کا نہیں پتا نام کیسا لینا، اور فتوی جڑتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، سفر میں تشریف لے جاتے تو کسی نہ کسی مائی صاحبہ کو بھی ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کو ساتھ لے گئے، ڈیرہ لگا لیا گیا،
जब रवानगी का वक्त आया तो हजरत आयशा ने अर्ज किया, आका मेरा तो हार गुम हो गया, हार नहीं मिल रहा। तो मेरे आका ने फरमाया, साहबा चलो हार तलाश करो। और खुद हजरत आयशा की गोद में सर रखकर आराम फरमाओ। साबा हार ढूंढ रहे हैं, हार नहीं मिलता, और उधर नमाज का वक्त तंग हो रहा है, और जहां डेरा लगाया हुआ है वहां पानी नहीं, पानी नहीं है वहां। अब साबा को ना जलाल आना शुरू हो गया। कमाल है, आयशा का हार गुम हो गया, मुसीबत हमें पड़ गई। अब बगैर पानी के वजू नहीं, बगैर वजू के नमाज नहीं। हमारी नमाज अगर ज़ाया हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? कुछ साहबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से जा शिकायत लगाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी पहले से ये तलाश की वजह से जलाल में थे। जब साहबा की बात सुनी तो आ गए। बड़े जलाल के आलम में देखा, सरकार गोद में हैं और आयशा बैठी हुई है। उन्होंने आते ही एक गुब मारी, मुक्का मारा। हजरत आयशा फरमाते, दर्द तो मुझे बड़ी हुई लेकिन मैं हिली नहीं, कहीं मेरे मुस्तफ़ा की नींद ख़राब ना हो जाए। अच्छा, थोड़ी देर तक तो साहबा ढूंढते रहे, हार ना मिला, तो अचानक नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते खड़े हो गए। फरमाया, साहबा मुबारक हो, अभी अभी जिब्रील आया था, कुरान की ये आयतें लेकर आया है। وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ اوے اگر تم بیمار ہو وہ یا مسافر ہو وہ یا تم میں سے کوئی واش روم سے آئے یا کوئی اپنی بیوی کے ساتھ لمس کرے فلم تجدوا ماء پھر تمہیں پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ صحابہ جو پہلے ناراض ہو رہے تھے خوشی سے اچھل پڑے۔ حضرت اسید بن حدیر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو بکر یہ تیرے خاندان کی پہلی برکت نہیں ہے، آج اگر عائشہ کا ہار گم نہ ہوتا تو ہم ساری امت کو قیامت تک کے لیے تیمم والی نعمت نہ ملتی۔ بڑا یہاں تقریر کرتے ہیں مولوی صاحبان، او جی پتہ ہوندا کہ ہار لباندے کیوں، کیونکہ لباؤندا وہ ہے جنہوں پتہ نہ ہوئے۔ پتہ لگا نبی کریم علیہ السلام نو علم شلم کوئی نہیں سی۔ بیٹے نکالنا سورۃ یوسف 13واں پارہ۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھائی آئے نا سارے، تو کسی کو نہیں پتا تھا یہی یوسف ہے۔ بنیامین کو اندر لے گئے اور فرمایا، میں ہی تو یوسف ہاں۔ بنیامین کہا، جی میں نہیں جے واپس جانا۔ وہ فرمایا، میں تجھے کیسے روکوں، کس قانون کے تحت؟ میں نہیں پتا پاجی، میں واپس نہیں جانا۔ اب اللہ نے خود حضرت یوسف کو ترکیب بتائی۔ اب اللہ کا حکم ہے، جو چاہے حکم دے دے، میں تو کرنے بات کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا، ایسے کر، اپنا جو پانی ہے نا پینے والا پیالہ، شاہی پیالہ، وہ بنیامین کے سامان میں چھپا دے، پھر ان کو روانہ کر دے، پھر دیکھ کیا بنتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیالہ
بنیامین کے سامان میں رکھا, باقی سامان بھی تیار کیا, کہا جاؤ بھائی. وہ جب وہاں سے نکلے تو پیچھے یوسف علیہ السلام نے, اوئے 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 میرا پیالہ, او میرا پیالہ. وہ جو تھے نا غلام, وہ سارے گھبرا گئے, وہ بادشاہ کا پیالہ کہاں گیا. ایک کہیں گے وہ جو قافلہ آیا تھا نا مصر سے, وہ جو آیا تھا نا کنعان سے قافلہ, وہی چوری کر کے لے گیا ہے. ہاں اس کے بعد آیا بھی کوئی نہیں, اب یہ پیچھے پیچھے بھاگے, اور پیچھے بھاگے اور کہنے لگے, ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. اے قافلے والے ہو تسی چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم, انہوں نے منہ پیچھے کیا اور کہنے لگے, ماذا تفقدون. او بھائی تہاڈی کیڑی شے گواچ گئی ہے, سانو چور بنائی پھر دے ہو. قالوا نفقد سوا الملک, اے بادشاہ دا پیالہ گواچ گیا ہے, اور ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں گیا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, جڑا پیالہ واپس کرے گا نا اسی اونوں اونٹ دانیاں دا بھر کے ہور دیاں گے, لد دیاں گے بوریاں نال اونٹ جن چک سکدا ہے, اونٹ بھی دیاں گے, تے گرنٹر میں ہاں. وَآنَا بِهِ زَعِيم, قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. کہنگے نا بھائی اللہ دی قسم ہے تانوں بھی پتہ ہے اسی فساد کرن نہیں آئے, اسی چور بھی نہیں. اچھا پوچھے ہوں انہوں نے, قالوا ما جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ہاں اسی لواں گے تلاشی, جدے سامان چوں پیالہ نکل آیا پھر وہ سزا کی ہوئے گی. انہاں کو جواب دیتا, قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. اوے پراؤ مصر والیو, سانو تواڈے قانون دا پتہ کوئی نہیں, ساڈے ملک دا قانون اے جدوں کوئی چوری کر لوے تے چور جڑا مالک دا ہمیشہ واسطے غلام بن جاندا ہے, جے ساڈے کسے دے سامان وچوں پیالہ نکل آیا او واپس نہیں جائے گا, ایتھے ہی تواڈے کول رہے گا. مالک ارشاد فرماندا, فبدا ابی اوعیتہم قبل ویا اخی. اپنے برا دے سامان دی تلاشی لین تو پہلے یوسف علیہ السلام نے نا وہ باقی براواں دے سامان دی تلاشی لئی. اچھا چل توں بری, توں ہی بری, توں ہی بری, توں ہی بری. جو دس بری ہو گئے, فرمایا پتہ نہیں یہ کو نکلے کہ نہ نکلے, چلو سارے بری. انہیں کہ نا جی نا یہ بھی تلاشی لو. یہ نہ ہوئے بھائی تھی آخو جی وہ کول ہی سی, لو یہ تلاشی. مالک ارشاد فرماندا, فس ثم استخرجها من وعاء اخی. حضرت یوسف نے ماریا ہت بنیامین دے سامان وچوں پیالہ کڈ لیا,
लो भाई ए जो मेरा चोर उन्हें बड़े तरले कीते यूसुफ ते ओ बादशाह तेरी मेहरबानी इनू साढ़े ना किसी और नू रख ले फरमाया तौबा 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 जिदे समान चुक निकले उन्होंने ही रखना है। गल सुनाण दा मतलब है जदों हार वाला वाकया सुनाई देना ते सानू फिर लोग कहंदे ने ओ जी जे नबी दा इलम हुंदा नबी लभाउंदा क्यों क्योंकि लभाउंदा उहो ही है जिन्हों पता ना होवे जिन्हों पता होवे ओ तलाशी कदे नहीं करदा डायरेक्ट पैंदा है। मैं क्यों अल्लाह दीयां हिकमतां अल्लाह ही जानदा है। वो प्याला यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बोरे च किन्ने रखिया सी बोलो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्याला खुद रखिया ते लभण लगिया की कीता शुरू कितों कीता यूसुफ अलैहिस्सलाम तो शुरू कीता या दूजियां तो शुक्र है ये टब्बर उत्थे नहीं सी नहीं तो वेख के कहना सी ओ हो पता लगा जी यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं इलम तो नहीं सी ना इलम तो नहीं सी ना जे इलम हुंदा तो बाकियां दी तराशी क्यों लैंदे। सही दसद अपने बजुर्गों का दामन फड़ के अर्ज करदा कदी कदी इंज भी तलाशी लई जांदी है क्योंकि बगैर तलाशी दे जड़ा मकसद हासिल करना चाहता है मकसद पूरा नहीं हुंदा। इसे तरह नबी करीम अले इस्लाम भी इलम सी कि हार है किथे ते हार दी तलाशी तो बगैर तयम्मुम वाली नेमत लभनी कोई नहीं। इस वास्ते अल्लाह दे महबूब ने फरमाया चलो सारे रल के हार दी तलाशी करो जदों लोड़ पै गई पानी दी हुण अल्लाह ताला ने तयम्मुम वाली नेमत नाजिल फरमा दी। चलो सुनता दा खता